मोदी ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। प्लान बी का मतलब है बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी। मोदी के पास 400 सीट का अगर प्लान है यानी 400 सीट के लिए कम से कम 50% वोट चाहिए। 50% वोट का साफ मतलब है कि हिंदुस्तान में करीब 100 करोड़ वोटर हैं, यानी कि 50 करोड़ वोट चाहिए। सिंपल हिसाब, और इस हिसाब का जवाब ना मंदिर में है, ना मंडल में है और ना ही कमंडल में। इसका जवाब मोबाइल से आएगा, जिसके मोबाइल में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, जिसके मोबाइल में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। क्या वो अपना वोट स्विच कर रहा है? क्या उसका वोट मोदी की तरफ जा रहा है? यही प्लान बी का पहला हिस्सा है। रिपोर्ट में इसी प्लान बी को समझिए आप। मोदी के लिए कैसे वोट बैंक का ताला खुल गया? 1 फरवरी से कैसे बीजेपी का वोट बढ़ने लगा? आखिर मोदी वोट बैंक कितना बड़ा है? अंतरिम बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं, मुफ्त वाली रेवड़ियों की कोई बात नहीं की, मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं दी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का वोट चढ़ना शुरू हो गया। मोदी का 24 में वोट परसेंटेज बढ़ने लगा है और सीटें भी बढ़ने लगी हैं। आखिर कैसे? दरअसल इसका जवाब है बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी। देश के 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन दे रही है मोदी सरकार। देश में 25 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इसके तहत हर परिवार को हर साल इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। 11.8 करोड़ किसानों को हर साल किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिया गया। योजना के तहत सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 50,000 रुपए तक का लोन देती है। ये लोन कोलैटरल फ्री होता है, यानी इसके लिए वेंडर्स को बैंक के पास कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। पीएम आवास योजना के तहत गांवों और शहरों में गरीब के लिए 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। गरीबों और सिर्फ किसानों को ही जोड़ दें तो ये संख्या 100 करोड़ के करीब पहुंच जाती है। मोदी ने इन योजनाओं से किसानों के साथ ही गरीबों की 3 सबसे बड़ी समस्याएं दूर कर दी है। पीएम आवास योजना के जरिए उन्हें रहने को घर मिल रहा है, अब खाने की भी चिंता नहीं रह गई है, हर महीने फ्री में राशन मिल रहा है। वहीं आयुष्मान योजना के तहत देश के किसी भी अस्पताल में इलाज मिल रहा है। मोदी गरीबों के साथ ही मिडिल क्लास का भी ध्यान रख रहे हैं। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। अगले 5 साल में मिडिल क्लास के लिए 3 करोड़ घर बनाने का वादा किया है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेंगे। हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलेगी और सालाना 15,000 से 18,000 रुपए बचेंगे। मोदी सरकार ने अपनी वेलफेयर स्कीम के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी इसी रणनीति का हिस्सा है।
24 के लोकसभा चुनाव में ये स्कीम एक्स फैक्टर का काम करेगी, यानी गरीब और किसानों के साथ ही मोदी महिलाओं को भी सशक्त बनाने के काम में जी जान से जुटे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। NFHS 5 की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 में जहां सिर्फ 44% महिलाएं क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करती थी, 2019-21 में ये बढ़कर 59% हो गया। 2015-16 में जहां 38% महिलाओं के नाम पर ही घर थे, 2019-21 में वो बढ़कर 43% हो गया। 2015-16 में जहां 53% महिलाओं का ही बैंक में अकाउंट था, 2021 में ये बढ़कर 79% हो गया। यही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत मोदी सरकार महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दे रही है। ये वीडियो देखिए, ये पिछले साल 30 दिसंबर का है, मोदी अयोध्या दौरे पर थे। इस दौरान वे उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा मांझी के घर गए और चाय पी। 24 के चुनाव से पहले मोदी ने मीरा मांझी के बहाने अपनी गारंटी की याद दिलाई। गैस मिला, बिजली मिली, घर मिला, अनाज मिला, वाह, और पानी मिल गया। यानी मोदी ही ऐसा कर सकते हैं। देश में अब तक 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के जरिए गैस कनेक्शन दिया गया है। यदि एक परिवार में औसतन 4 लोग रहते हैं तो इसका साफ मतलब है कि 40 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिल रहा है, खासकर महिलाओं को। मोदी को ही महिला वोट की ताकत का अंदाजा हो चुका है। यही वजह है कि वो अपनी हर योजना में महिलाओं का खासा ध्यान रखते हैं। जैसे पीएम आवास योजना के तहत गांव और शहरों में गरीबों को जो 4 करोड़ से अधिक घर मिले उनमें 70% महिलाओं के नाम पर। दरअसल मोदी को महिला वोट की ताकत का अंदाजा हो चुका है। इसकी वजह भी है, दरअसल 2019 में देश में कुल वोटर 91.2 करोड़ थे, जबकि महिला वोटर 43.8 करोड़ थी। 2019 में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। 2019 में 67.2% महिलाओं ने वोट दिया, वहीं 67% पुरुषों ने वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 46% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन एनडीए को वोट दिया, वहीं 44% पुरुषों ने एनडीए को वोट दिया। यानी पहली बार किसी लोकसभा चुनाव में एनडीए को पुरुषों से ज्यादा वोट महिलाओं के मिले। 2019 में महिला वोटों के बढ़ने का असर बीजेपी की सीटों पर भी देखा, यानी जिन राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया वहां बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीती। 2019 में तमिलनाडु, अरुणाचल, उत्तराखंड, गोवा जैसे 12 राज्यों की 200 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। इनमें से सिर्फ तमिलनाडु और केरल यानी 59 सीटों को छोड़कर 10 राज्यों में बीजेपी को जमकर सीट मिली। 2014 में जहां बीजेपी को 31% वोट के साथ 282 सीटें मिली थी, वहीं 2019 में महिलाओं के ज्यादा वोट परसेंट से बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 37.4% हो गया और सीटें भी 303 हो गई। 2022 के शुरुआत में 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी यही रुझान देखने को मिला, यानी जिन 4 राज्यों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया वहां बीजेपी चुनाव जीत गई। 2022 के विधानसभा चुनावों में यूपी में 59.6% पुरुषों ने मतदान किया, वहीं 62.2% महिलाओं ने मतदान किया। बीजेपी को इस चुनाव में 48% महिलाओं ने वोट किया और वहीं सिर्फ 44% पुरुषों ने वोट किया। चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट के साथ 255 सीटें मिली। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 62.6% पुरुषों ने मतदान किया, जबकि 67.6% महिलाओं ने वोट डाले। बीजेपी को इस चुनाव में 46% महिलाओं ने वोट किया और वहीं 42% पुरुषों ने बीजेपी को वोट दिया। इस चुनाव में बीजेपी को 44.3% वोट के साथ 47 सीटें मिली। मणिपुर विधानसभा चुनाव में 81% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि सिर्फ 78.2% पुरुषों ने वोट डाले। बीजेपी को इस चुनाव में 42% महिलाओं ने वोट दिया, वहीं
सिर्फ 40% पुरुषों ने वोट दिया। बीजेपी को चुनाव में 37.83% वोट के साथ 32 सीटें मिली। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव में 90.5% महिलाओं ने वोट किया, जबकि 87.9% पुरुषों ने वोट किया। बीजेपी को इस चुनाव में 34% महिलाओं के वोट मिले और पुरुषों के सिर्फ 32%। बीजेपी को इस चुनाव में 33.3% वोट के साथ 30 सीटें मिली। मोदी की योजनाओं का फायदा सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं मिल रहा है, ये मुस्लिमों को भी उतना ही मिल रहा है। मोदी के विरोधी पूछते हैं, मोदी ने मुसलमानों को दिया क्या? बीजेपी जब मुस्लिम मोहल्लों में वोट मांगने जाएगी तो भाईजान को पूरा हिसाब समझाएगी। पीएम धन योजना के कुल लाभार्थियों में 42% मुसलमान है, मतलब अनुपात के हिसाब से देखें तो हिंदुओं से ज्यादा। स्किल इंडिया प्रोग्राम के लाभार्थियों में 22.7% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब जनसंख्या में हिस्सेदारी से ज्यादा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में मुसलमानों की भागीदारी 70% बढ़ी है। मुस्लिम बच्चों के स्कूल जाने का नंबर 59.4% से 74.2% हो गया है। अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की बात करें तो 2021 तक 13 लाख मुस्लिम छात्रों को इसका फायदा मिला है, जबकि 14 में ये आंकड़ा 3.5 लाख था। दरअसल बीजेपी ने ऐसे ही 400 प्लस का नारा नहीं दिया है, इसके पीछे ये लाभार्थी वोट बैंक है, यानी चाहे वो गरीब हो, किसान हो, दुकानदार हो, ठेले वाला हो, महिला हो या मुस्लिम हो, सबको मोदी की योजनाओं का फायदा मिल रहा है। ऐसे में 24 में इन सब का वोट भी मोदी को मिलेगा।